नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगा सर राजेश जी मेहता से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के। सो राजेश सर, स्वागत है आपका बीएसआर के थिंक रिच शो में। इस पूरे शो का नाम है सर थिंक रिच शो, जहां पे कि हम सभी जान सके कि हाउ वी कैन ऑल्सो थिंक लाइक बिलियनर्स एंड कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ को मैनेज करते हैं। सो राजेश सर, पहला सवाल आपसे इस श्रृंखला में यही है कि राजेश सर की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ क्या है। राजेश सर की जुबानी ही उनकी कहानी हम सुनना चाहेंगे, कहां से शुरुआत हुई, क्या चैलेंजेस आए, कैसे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, क्योंकि मैं देख रहा था आज 2,58,000 करोड़ का ये टर्नओवर है आपका, जो कि ह्यूज है, बहुत बड़ा है, हम लोगों के लिए इमेजिनेशन से भी एक लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए कठिन है। सो यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल द लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस एंड आई वाज जस्ट टोल्ड अबाउट दिस कॉल जस्ट सम टाइम बैक, सो आई एम नॉट prepared as such, but I will speak extempore. So I think whatever I have not prepared myself, as I said. So whatever I think is true and genuine, let me speak about that. Yes, okay. Sir. The first thing what you asked me, Bhupenderji, is basically with regard to personal and professional life as such. अब जो ये business होता है या कोई भी क्षेत्र में, चाहे business हो, चाहे sports हो, चाहे politics हो, चाहे एक्टिंग हो, कोई भी क्षेत्र में जब आप एक लेवल के ऊपर जाते हो कहीं भी, या आपको जाना है या जाते हो, तो की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती है और आपको निरंतर कंटिन्यूअसली यू हैव टू परफॉर्म। सो क्या होता है, योर एंटायर लाइफस्टाइल, योर एंटायर सिस्टम हैज टू चेंज। इट्स नॉट समथिंग विच इज बैड, but it is, you know, basically you will have to adapt yourself to that system and you'll have to enjoy that system, because yeah. The person who is there, I think, is very well aware that there are so many people who are connected to him, connect him or her, and dependent on him or her, watching him or her. So naturally the lifestyle itself becomes like that. Ye ek tarah ka penance hai, this is one kind of a, you know, ek tarah ka tap hai ki jisme aapko ek हिसाब से, एक सिस्टम से आगे बढ़ना पड़ता है। सो व्हेन यू आस्क अबाउट माय लाइफस्टाइल एंड व्हाट आई डू एंड हाउ आई डू, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल व्हिच इज देयर। पर्सनल भी होता है, बिजनेस भी होता है, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, दोनों को साथ में एंजॉय भी करना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज प्राइमरी रिक्वायर्ड इन दिस काइंड ऑफ यू नो ए सिचुएशन और पोजिशन और बिजनेस एज सच। तो what I do basically is, of course, mostly and always busy in business, etc. लगे रहते हैं अलग अलग कामों में, अलग अलग business में, etc. साथ साथ वो social जवाबदारियां होती है, means सामाजिक जवाबदारी होती है, you have responsibility towards society, you have responsibility towards your family, your friends, everywhere. So you have to manage both of them. So in that way, what I do basically is, there are no time slots which are there. कि शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से, शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक चलता है दिन, and it has to be a continuous non-stop day. और इस समय दरमियान, you know, we have to look after everything, जो जो challenges आती है, और कोई भी ऐसा सफल businessman या सफल कोई भी इंसान नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे रोज की चैलेंजेस नहीं आती है जी। रोज की चैलेंजेस आती है और रोज की जितनी भी परीक्षाएं हैं या चैलेंजेस है, उसको निपटकर, मतलब उसके साथ साथ चलना पड़ता है, यू हैव टू रिजॉल्व देम। सो सुबह से शुरू होता है, शाम को खत्म होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि ये होते हुए भी कभी ऐसे नहीं लगता है कि थकान हो रही है या ऊब जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू एंजॉय जर्नी, डेस्टिनेशन इज डिफरेंट, करेक्ट, बट रीचिंग डेस्टिनेशन इज समथिंग एल्स, बट एंजॉयिंग द जर्नी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको जर्नी एंजॉय करनी है, और जब जर्नी एंजॉय करते हो तो अपने आप डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जाते हो, एंड यू कीप रीचिंग दैट। द लाइफ स्टाइल इज, वी नीड टू मैनेज बोथ प्रोफेशनल, सोशल एंड पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, और मैनेज करके आगे बढ़ना पड़ता है। There are time slots for different activities, for different things.
साथ साथ में यू नीड टू कीप योर सेल्फ फिट ऑल्सो, तो वो भी है कि फिटनेस रेजिम जो होता है वो भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, बिकॉज विदाउट फिटनेस, विदाउट योर बॉडी सपोर्टिंग यू एवरीवेयर एंड विदाउट योर हेल्थ सपोर्टिंग यू, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड. सो दैट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू बी फिट एंड यू नीड टू यू नो गिविंग एंड डेडिकेटिंग टाइम टूवर्ड्स योर फिटनेस ऑल्सो. तो रोज का फिटनेस को टाइम देते हैं? सॉरी सर, रोज फिटनेस को टाइम दे पाते हैं सर? It is a regular regime. You have to, I think, at least I believe that we have to do it daily between 6:30 and 7:30. It is fitness time in the morning, I mean. So it that 1 hour or at the least 45 minutes has to be there every day for fitness and health, whatever is there. Running hota hai, alag tarah ki jo you know exercise hoti hai, wo karni hi padti hai. So ye 45 minutes jo hai, wo non-negotiable hai. That is non-negotiable. During these 45 minutes, I am definitely occupied to in one or the other fitness activity. Very true. Great, sir. Sir, आज राजेश एक्सपोर्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी है सर. आपको कैसा फील होता है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन आपको अभी ऐसा तो नहीं लगता कि ये सपना है या ये हकीकत है, और ये पूरा प्रोसेस कैसे रहा, कैसे हम इतने बड़े बन गए? क्या शुरू से ऐसा थॉट था कि सबसे बड़ा बनना है वर्ल्ड का, या फिर बीच में ये थॉट चेंज होता रहा आगे आगे? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही आई वुड से कि बहुत ही रिलेवेंट सवाल भी है. जब शुरुआत की 1984 में, 1984-85 में जब इस बिजनेस के बारे में सोचा, जब शुरुआत की, तब मन में एक जरूर था कि कुछ ना कुछ तो करना है और कुछ ना कुछ इसमें बड़ा बनना है. जी सर. लेकिन साथ साथ आपका डेस्टिनेशन तो फिक्स होता ही है, मतलब आपका डेस्टिनेशन आप, लेकिन इतना बड़ा बनना है तब नहीं सोचा था. जब शुरुआत की थी तब सोचा नहीं शायद कि इतना बड़ा बनना है, लेकिन ये जरूर सोचा था कि कुछ ना कुछ इसमें अचीव करना है, कुछ ना कुछ बनना है. तो सोचने के बाद अगर सिर्फ वो सोचते ही रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. वो सोच के साथ साथ यू एवरी डे स्ट्रगल फॉर दैट सोच, यू टू स्ट्रगल फॉर दैट स्ट्रगल फॉर द यू नो टारगेट व्हाट यू सेट फॉर योर सेल्फ. तो रोज का टारगेट आपको करना पड़ता है, रोज टारगेट के हिसाब से चलना पड़ता है, और चलते चलते अपने आप कारवा जुड़ जाता है. अपने आप चलते रहे तो अगर आपकी मेहनत सही है, अगर आप मेहनत सही तरह से कर रहे हो, अगर आप ईमानदार हो और अगर आप डेडिकेटेड हो, तो मैं समझता हूं कि कोई आपको रोक नहीं सकता है जो चीज आपने सोची है उस. हाँ, ये जरूर है कि आप कितने भी मेहनती हो, कितने भी ईमानदार हो, कितने भी डेडिकेटेड हो, रास्ता कभी आसान नहीं होता है. बिल्कुल सर. रास्ते में रोड बम्स आएंगे, अलग अलग तरह के टर्न्स आएंगे, अलग अलग तरह के ट्विस्ट आएंगे, लेकिन इन बातों के बावजूद अगर इफ यू मेंटेन दीज थ्री पॉइंट्स, बीइंग हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, एंड इफ यू नेगोशिएट ऑल द डिफिकल्टीज एंड टर्न्स व्हिच कम इन लाइफ, you may fall down also sometimes, you may, you know, basically you may fail also sometimes, lekin you're with these three points, and if you keep up with these three points, I think most of the turns and twists and humps will be negotiated, whether little late or little early, that doesn't make a difference, and experience will teach you as you move forward and you will keep moving forward. एक्सेलेंट राजेश सर. जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन लोगों को मैं एक बहुत ही रोचक जानकारी बताना चाहूंगा. देखिए, ये एक न्यूज है जो मैं देख रहा हूं इस समय, और ये न्यूज है 20 जनवरी 2022 की. मुकेश अंबानी, IOC, संजीव सिंह इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप CEO. और इस लिस्ट में आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप देखेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजेश मेहता 99th नंबर पे है सर. आप वर्ल्ड के टॉप CEOs में से 100th नंबर पे हैं, एंड 100 आई मीन टॉप 100 CEOs की लिस्ट में है सर. तो मैं आपसे यहाँ दो सवाल पूछना चाहूंगा. एक तो हाउ डू यू फील इस लिस्ट में आने के बाद, नंबर दूसरा सर, क्या आप MBA हैं, क्या आपने ये बचपन से एजुकेशन ली है कि बढ़िया CEO कैसे बनना है, या ये सब आपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही आप सीखते गए? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ईच वन ऑफ अस. हम लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा है दैट वी आर टॉकिंग टू द वर्ल्ड्स बेस्ट CEOs इन दिस वर्ल्ड. बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम ओब्लाइज.
इसमें अगर मैं कहूं कि मैंने कुछ सीईओ की ट्रेनिंग ली है, कि मैं कोई ऑक्सफोर्ड में गया हूं, कैम्ब्रिज में गया हूं, या कोई बिजनेस स्कूल में गया हूं, हार्वर्ड में गया हूं, तो ये होगा। क्योंकि हाँ, पढ़ाई में जब मैं पढ़ता था, पढ़ाई में मैं जरूर एक रैंक स्टूडेंट था। आई वॉज ए मेरिट स्टूडेंट, आई वॉज ए स्टेट रैंक होल्डर। माई फादर वॉज ए वेरी वेरी लोअर मिडिल क्लास पर्सन। वी वेर ब्रदर्स। माई फादर वॉज ए फादर वॉज ए मिडिल क्लास, यू नो, लोअर मिडिल क्लास पर्सन। फोर ब्रदर वी स्टार्टेड टूगेदर। आई वॉज ए मेरिट स्टूडेंट एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू स्टडी इन द हाउस। आई वॉज एक्सपेक्टेड दैट आई विल बिकम ए डॉक्टर और इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन पता नहीं, व्हेन आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड, दैट इज 10+2 सेकेंड PUC, इट इज कॉल्ड हियर इन कर्नाटका। सो व्हेन आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड, समथिंग स्टक मी for that rather than you know studying and putting time there another 5 years or 7 years, I thought let me do something on my own, let me try and do something with the family, with my brothers, and try to move forward. So I discontinued my study. So I can tell today that I am an undergraduate. I am not even a graduate. I have only done 10+2, but I basically, as I said, I was a rank student. बट फिर भी मैंने छोड़ दिया। यू नो, आई गॉट मेरिट सीट्स इन इंजीनियरिंग, इन MBBS, एवरीवेयर, इन ऑल फैकल्टीज आई हैड गॉट, बट समहाउ समथिंग टोल्ड, सो आई जस्ट लेफ्ट इट एंड स्ट्रेट अवे यू नो आई वेंट इनटू, मैं जो था बिजनेस में आ गया। और जब मैं बिजनेस में आया, बाद में ये चीज जरूर समझ आई, और आज भी मैं ये चीज समझता हूं कि व्यवसाय में या बिजनेस के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिग्री की वगैरह कोई जरूरत है। Absolutely. जिस पॉलिटिक्स है, ऐसा ही बिजनेस है, जहां पर आप अनुभव सिखाता है। और जैसा मैंने कहा कि कितने सचेत हो आप, कितने हार्ड वर्किंग हो आप, कितने डेडिकेटेड हो, और सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि आप कितने ईमानदार हो, हाउ ऑनेस्ट आर यू, इसके ऊपर सारी चलती है। और साथ साथ में आपको हर आपकी हर यात्रा सिखाती जाती है। यू कीप लर्निंग एज यू मूव फॉरवर्ड एंड यू शुड हैव ओपन माइंड। सबसे सीखना है, सबको समझना और सबको लेकर साथ चलना है। वंस यू डू इट एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग, आई थिंक यू कीप गोइंग। आई स्ट्रांगली बिलीव, ऑफकोर्स यू हैव अ डिग्री, इट विल ऑलवेज बी गुड। ऐसे नहीं कहता हूँ कि डिग्री नहीं होनी चाहिए या क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्वालिफिकेशन कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसके होने से ही आप सफल बिजनेसमैन बन पाओगे या आप सफल व्यक्ति बन पाओगे। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी कहीं से भी आप सफल हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको तप करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि यू हैव टू रियली वर्क फॉर इट, आपको कार्य करना पड़ता है। जब आप कार्य करते हो तो सफल होना ही है आपको, अगर आप अलर्ट हो तो। जी सर, ग्रेट सर। सर, इतना बड़ा कारोबार, आज के डेट में $35 बिलियन का USD का कारोबार है आपका, जो कि 2.5 लाख करोड़ के ऊपर का है। एंड इसमें इतना ज्यादा होने के बाद भी मुझे आपकी बातों में ना तो ईगो दिखाई दे रहा है, प्लस मुझे पता लगा कि आप अभी भी इनोवा कार में घूमते हैं, एंड बहुत ही हम्बल लाइफ स्टाइल आपकी है। तो सर, इसके पीछे का राज क्या है? ये आपके परिवार की रूट्स में है या ये आपका खुद का व्यवहार ऐसा ही है? सर, आपने पहला सवाल मुझे पूछा था कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, मतलब व्यक्तिगत जिंदगी और व्यवसायिक जिंदगी में क्या फर्क है और किस तरह से आप चलाते हो इसको। जी सर। तो अभी आपने उसका जवाब दिया, आप ही ने जवाब दिया उसका, कि व्यवसायिक जिंदगी में सफल होने का मतलब नहीं है कि मैं मेरी व्यक्तिगत जिंदगी को बदल डालू। ये कोई जरूरत है बदलने की। मेरी जो व्यक्तिगत जिंदगी है, मतलब जो मेरी व्यक्तिगत, मेरा जो कार्य है, पर्सनल लाइफ स्टाइल विच इज देयर, आई डोंट थिंक कि वो किसी भी तरह से मेरे व्यवसायिक जिंदगी के कारण डायरेक्ट होगी या व्यवसायिक जिंदगी के कारण ड्राइव होगी। ये नहीं है, क्योंकि अपनी जो व्यक्तिगत जिंदगी है वो अलग रखी है कि भाई जो अच्छा लगता है और जो सही है वह करना व्यक्तिगत जिंदगी में, और व्यवसायिक जिंदगी में जो कार्य है वो वहां पर करना।
और मैं ये खास समझता हूँ कि आप मेरे ख्याल से ज्यादातर सीईओ का, आपने इतने सारे सीईओ के और इतने सारे बड़े बड़े लोगों के आपने इंटरव्यू लिए होंगे और सब जगह शायद आपको एक कॉमन चीज दिखी होगी कि दे आर ऑल डाउन टू अर्थ, मोस्ट ऑफ आर डाउन टू अर्थ, और दूसरी चीजों के लिए एक तो समय नहीं होता है और दूसरा वो सब करके समय को खराब करने की कोई जरूरत भी नहीं होती है कि अपनी जो करना है, जो चीज की जरूरत है सिर्फ उतना ही करना है, वी नीड टू डू ओनली जितनी जरूरत है उतना ही करना है और उसके लिए कोई खास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कार्य में, व्यवसाय में, व्यापार में जितना भी काम है, जितनी भी छोटी बड़ी चीजें वो सब करनी पड़ती है, लेकिन ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आज मैं 58 वर्ष का हो गया, लेकिन इन वर्षों में पहले से मैं जैसा था ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहना चाहूंगा। क्या बात है सर। कि भाई मेरे 10,000 रुपये थे तब भी मैं वैसा ही था, 10 करोड़ थे तब भी वैसा ही था, 100 करोड़ या 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़ थे तब ऐसा ही, कोई इसमें मेरे में फर्क आया नहीं और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ही बना रहूं और कोई फर्क आया भी नहीं। और हमारा फैमिली ट्रेडिशन भी हमारे इनफैक्ट हमारे परिवार में भी सब ऐसे ही है, डाउन टू, मतलब आप, मैं डाउन टू अर्थ है कि नहीं मैं कोई सर्टिफाई करने वाला नहीं हूँ खुद को, लेकिन हमारा ये है कि भाई काम से काम रखो और जो है जो काम करने के लिए जो चीज की जरूरत है, मुझे घर से ऑफिस आना है, ऑफिस से घर आना है, तो उसके लिए मुझे कोई रोल्स रॉयस की जरूरत है नहीं। बिल्कुल, तो मेरी इनोवा अच्छी है और जल्दी पहुंचाती है रोल्स रॉयस से, तो मैं उसी में आना चाहूंगा। ऑसम राजेश सर, ग्रेट सर। सर, इस बिजनेस को बिल्ड करते समय काफी सारे चैलेंजेस भी आते होंगे, जैसे कि कोविड का भी सबसे बड़ा चैलेंज आया और मैं देख रहा था कि गोल्ड रेट्स कोविड के टाइम पे काफी डाउन भी थी एंड मैंने देखा कि आपका कंपनी का भी 50,000 करोड़ का जो एक पर्टिकुलर वेंचर का रेवेन्यू था वो 43,000 करोड़ पे आ गया था एंड जो एक्सपेंसेस थे वो भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय। तो जब ये चैलेंजेस होते हैं तब उस समय आप अपने, क्योंकि 7,500 करोड़ का डिप एक ही साल में आ जाना, मतलब ये डेफिनेटली जितना बड़ा कारोबार होता है उसमें चैलेंजेस भी बड़े होते हैं और अगर एक दो क्वार्टर ऐसे चैलेंजिंग निकल जाए तो पूरी कंपनी पे उसका इफेक्ट बहुत लंबे टर्म के लिए आ सकता है। जैसे कि अभी हम किंगफिशर की स्टोरी देखते हैं, कहीं पे कब डाउनफॉल हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो बड़े बिजनेसेस में बड़े लीकेजेस भी होते हैं, तो आप जब इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो उनको डील करने के लिए कंपनी किस तरह से कार्य करती है और आप किस तरह से उन्हें लीड करते हैं सर? देखिए, इसका जो जवाब है वो आपके पहले सवाल से, इसके पहले जो सवाल पूछा उससे जुड़ा हुआ है। जब आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी सामान्य रखेंगे और नॉर्मल रखेंगे तब आपको चैलेंजेस के साथ भिड़ने के लिए समय भी मिलेगा, ताकत भी मिलेगी। अगर आपने आपका समय ज्यादातर दूसरी तरफ खराब किया हुआ है तो आपको चैलेंजेस के समय में बहुत तकलीफ आएगी। करेक्ट, दैट इज ऑलवेज दैट। जैसे मोस्ट ऑफ द बिजनेस, जैसे बड़े बड़े जितने अपने सक्सेसफुल सीईओ है वो सब अपनी रिजर्व एनर्जी रख के चलते हैं और हमेशा अपना कार्य इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि चाहे आगे चल के कुछ भी हो जाए तो 2 साल 3 साल 4 साल का अगर कोई खराब तबका भी आ जाए, कोई खराब समय भी आ जाए तो भी उनको खास फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट मेक ए मच डिफरेंस टू देम बिकॉज दे वुड हैव मेड दैट प्रोविजन विद इन देयर माइंड सेट, उनके अपने स्वभाव में, उनके अपनी कार्यशैली में उन्होंने इसके लिए जगह बना के रखी होती है। जी सर, आप एकदम सरल तरीके से जब आप चल रहे हो, सरल तरीके से चल रहे हो तो आपको ऐसे समय में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जरूर से मतलब हमारी खुद की कंपनी में भी वी सॉ ए लॉस ऑफ रेवेन्यू, थोड़ा कम हुआ रेवेन्यू, लेकिन फिर भी इन 2 या 3 सालों में भी, कोविड के 2 साल में भी हमने नुकसान नहीं किया, हमारी कंपनी फिर भी प्रॉफिटेबल रही और चली रही है। और जब समय अच्छा होगा, 1 साल में 2 साल में 3 साल में समय अच्छा आएगा तब विल बाउंस बैक अगेन। तो चैलेंजेस तो आने ही है, चैलेंजेस आने ही है, लेकिन चैलेंजेस से भिड़ने के लिए आपके पास आपकी विचार शक्ति होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए, समय होना चाहिए और आपने आपको अपनी शक्ति बचा के रखनी होती है, तब अपने आप उससे भिड़ सकते हो
और सोचकर समझकर आप आगे बढ़ते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चिंता होगी या ज्यादा तकलीफ होगी। हाँ, कोई बिजनेस में ऐसा होता है कि उसका जो सीईओ होता है, बॉस होता है, वो दूसरी 10 चीजों में व्यस्त होता है या दूसरी 10 चीजों में उसका समय जा रहा है, तो जी शायद इस तरह के समय में वो समय ना दे पाए या वो क्या हो रहा है। इफ यू आर नॉट, मतलब आपको पूरी तरह से आपका आपका व्यापार आपको मालूम नहीं है, आपका बिजनेस, आपको व्यवसाय आपको मालूम नहीं है, तो ऐसे समय में आप हो सकती है। अगर आप पूरी तरह से अपने व्यवसाय को जानते हो, उसको पूरी तरह पहचानते हो और समझकर चलते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी या कोई तकलीफ आपको ज्यादा आएगी। राइट 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 सर, थैंक यू सो मच राजेश सर। एंड पहले तो मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में आने के लिए, वर्ल्ड के टॉप सीईओज, 100 टॉप सीईओज की लिस्ट में आने के लिए। और मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों को आपको बधाई देगी कि हम आपको जल्द ही वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन एंड वर्ल्ड के नंबर वन सीईओ के रूप में देखना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है आपका और बहुत ही शानदार यू नो डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी आप हैं सर। इतना समय आपने हमारे हम सबको दिया और इतने जो जो सवालों के जवाब आपने दिए सर, वो मतलब दिल को छू जाने वाले थे, क्योंकि सारे के सारे वैल्यू सिस्टम, इंडियन वैल्यू सिस्टम और एक पारंपरिक घराने के वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड थे सर। एंड आई थिंक बहुत कुछ सीखने लायक है आपसे। एक इंटरव्यू से शायद हमारा काम नहीं बनेगा, कभी इच्छा रहेगी आपसे फिजिकली भी मिलने की, आपसे बहुत सारी बातें करने की और बहुत सारा कुछ सीखने की। एंड इसी सिलसिले में आपसे जुड़ते रहेंगे सर और आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी और आपकी पूरी टीम को, बहुत टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे इसमें बात करने का मौका देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड मैं सर हिमानी मैम को भी धन्यवाद दूंगा जिनके माध्यम से आप जुड़ पाए यहाँ, उनको और उनकी पूरी टीम को भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों से वो हमें कनेक्ट करवाते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हिमानी जी एंड थैंक यू राजेश सर।